नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरीज चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी दुल्हन की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो कि शादी करने के बाद दूल्हे की सारी संपत्ति को लूट करके हो जाती थी चंपत। तो चलिए दोस्तों, कहानी को हम लोग शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड अंचल में पन्ना जिला मुख्यालय से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर बड़खेरा गाँव के पुरुषोत्तम की शादी की उम्र निकल चुकी थी। वो 33 साल का हो गया था। उसके पिता पंडित सुक्कन पटेरिया उसकी शादी को लेकर बहुत चिंतित थे। वह खेतीबाड़ी का काम करते थे। चिंता का एक कारण और था कि बड़े बेटे पुरुषोत्तम की शादी नहीं हो पाने के कारण उससे छोटे 2 भाइयों की उम्र भी निकलती जा रही थी। पुरुषोत्तम के लिए उसकी माँ और पिता दोनों ही बहुत परेशान रहते थे। वे रिश्तेदारों की मदद से पुरुषोत्तम के लिए लड़की तलाश करके थक चुके थे। इस वजह से पुरुषोत्तम भी मानसिक तनाव में रहने लगा था। उसकी शादी नहीं हो पाने का एक कारण उसकी पढ़ाई भी थी। वो कुल 10वीं जमात तक ही पढ़ा था, इसलिए उसे कोई लड़की ब्याहने को तैयार नहीं था। लॉकडाउन से पहले मार्च 2020 की बात है। पुरुषोत्तम टीकमगढ़ जिले के टीला गांव में एक रिश्तेदार के यहाँ गया था। वहीं उसकी मुलाकात गाँव के मुन्ना तिवारी से हुई। उसने बातचीत के दौरान मुन्ना तिवारी से कहा, तिवारी जी, मेरे पिताजी मेरी शादी को लेकर परेशान रहते हैं, आपकी नजर में कोई लड़की इधर हो तो बताइए। मुन्ना तिवारी ने छूटते ही कहा, क्यों नहीं भाई, लगता है तुम्हारी मुराद पूरी हो गई। देखो, मेरी एक रिश्तेदारी में भी 30 साल की युवती पूजा कुंवारी बैठी है, तुम कहो तो मैं बात उससे करूं। अरे तिवारी जी, इसमें पूछने की क्या बात है, आज ही बात करो ना उसके पिता से, पुरुषोत्तम चहकते हुए बोला। उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं है, इसी वजह से तो उसकी शादी नहीं हो पा रही है। मैं देखता हूँ, अगर तुम्हारी बात बन जाए तो अच्छा रहेगा, मुन्ना तिवारी ने कहा। उसकी माँ से बात कर लो ना, पुरुषोत्तम ने सुझाव दिया। नहीं नहीं, उनसे डायरेक्ट बात करना सही नहीं होगा, पहले किसी नजदीकी रिश्तेदार से उन तक बात पहुँचानी होगी, तुम्हारे बारे में चर्चा करवानी होगी। अब देखना है कि कौन रिश्तेदार उनके सामने तुम्हारे और परिवार के बारे में तारीफ के पुल बांध सके, तिवारी ने समझाया। जैसा तुम उचित समझो, लेकिन जो भी करो जल्दी करो, पुरुषोत्तम उम्मीद के साथ बोला। ठीक है, होली के बाद देखता हूँ, वो बोला। जैसा मुन्ना तिवारी ने कहा था वैसा ही किया। होली के दूसरे दिन ही वो पूजा और उसकी बहन भागवती मिश्रा को लेकर सुक्कन पटेरिया के घर पहुंच गया। पुरुषोत्तम को आश्चर्य हुआ कि जिस युवती से उसकी शादी की बात चलने वाली है वो भी साथ आई थी। उसने तिवारी की ओर आश्चर्य से देखा। तिवारी ने मुस्कुराते हुए कहा, शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए। चाय नाश्ते के बाद युवक युवती को एक साथ बैठा दिया गया। उन्होंने एक दूसरे को सरसरी निगाह से देखा परखा। पुरुषोत्तम को गोरी तीखे नाक नक्श वाली पूजा पहली ही नजर में भा गई। पूजा की बहन भागवती ने भी पुरुषोत्तम को पसंद कर लिया। पूजा ने भी अपनी पसंद बहन को बताकर अपनी रजामंदी दे दी। दूसरी तरफ अपने बेटे की शादी का सपना संजोए सुक्कन की पत्नी ने घर आए मेहमानों का खूब स्वागत सत्कार किया। उसने मेहमानों के लिए तरह तरह के पकवान बनाकर परोसे। सुक्कन की पत्नी खुशी के मारे फूली नहीं समा रही थी। उसने पति से होने वाली बहू को शगुन देकर जल्दी से रिश्ता तय कर लेने को कहा। फिर पति पत्नी ने शगुन के तौर पर पूजा की गोद में नारियल कपड़े फल और मिठाई भेंट कर दिए। पुरुषोत्तम ने उसे अंगूठी पहनाकर सगाई की रस्म अदा कर दी, साथ में कुछ पैसे भी रख दिए। सगाई की रस्म पूरा होने से पहले ही मुन्ना तिवारी ने पंडित सुक्कन पटेरिया को साफ तौर पर बता दिया था कि पूजा के पिता जीवित नहीं है, उसके घर की माली हालत भी ठीक नहीं है, इसलिए शादी का खर्चा उन्हें ही उठाना पड़ेगा। सुक्कन लड़की वालों की हर शर्त मानने को तैयार हो गया। सगाई होते ही पुरुषोत्तम शादी के हसीन सपने संजोने लगा। जब से उसने पूजा को देखा था तभी से उसके मन में खुशियों के लड्डू फूटने लगे थे और वो उसके साथ जीवन की शुरुआत करने की योजनाएं बनाने लगा था। रात को सोते समय पुरुषोत्तम अपनी होने वाली सुहागरात की कल्पना करके खुश हो रहा था। फिल्मों की तरह उसे भी सपनों में सुहागरात में गुलाब की पंखुड़ियों से सजी सेज पर बैठी लजाती शर्माती पूजा नजर आने लगी थी। इंतजार की घड़ी और निकट आ गई।
लेकिन ये क्या अचानक कोरोना वायरस के कहर ने सभी को घरों में बंद कर दिया। सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया। पुरुषोत्तम एक बार फिर निराश हो गया। वो अपनी किस्मत को दोष देने लगा। खैर उसे अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने तक का इंतजार करना पड़ा, जिसकी शुरुआत मई 2020 में हुई। प्रशासन की तरफ से शादी विवाह के सार्वजनिक व सामूहिक कार्यक्रमों में सीमित संख्या में लोगों के शामिल होने की अनुमति थी। दोनों पक्षों की आपसी सहमति के बाद 29 मई 2020 को शादी की तारीख तय हो गई। इसी में ये भी तय हुआ कि कम से कम मेहमानों को बुलाया जाएगा। पूजा और उसकी बहन भागवती 28 मई को आशा दीक्षित के घर बड़खेरा गांव आ गए। आशा पुरुषोत्तम की बुआ थी। वहीं 29 मई को 10-12 लोगों की मौजूदगी में सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार पुरुषोत्तम और पूजा का विवाह संपन्न हो गया। सुक्कन पटेरिया ने अपनी बहू के लिए सोने चांदी के जेवर दिए। विवाह के दूसरे दिन पूजा के साथ आई उसकी बहन भागवती ने अपनी गरीबी का हवाला देकर पुरुषोत्तम के पिता सुक्कन से 60,000 रुपए मांगे। सुक्कन पटेरिया ने ये सोचकर सहज भाव से रुपए दे दिए कि होने वाले बहू के परिवार की मदद करने में क्या बुराई है। पुरुषोत्तम की मां ने नई नवेली दुल्हन का स्वागत पारिवारिक और सामाजिक रीति रिवाज के साथ किया। घर में शादी के बाद की सारी रस्में चलती रही। पुरुषोत्तम को अपनी सुहागरात का बेसब्री से इंतजार था। रात होते ही मेहमानों के सो जाने के बाद उसने फिल्मी अंदाज में अपने फूलों से सजे कमरे में प्रवेश किया। सुहाग स्टेज पर बैठी दुल्हन का घूंघट हटाकर उसके हुस्न के तारीफों के पुल बांध दिए। किंतु अपने प्रेम प्रदर्शन के दौरान पुरुषोत्तम ने महसूस किया कि पूजा उसके प्रति रोमांचित नहीं थी। वो उसकी तरह उमंग में नहीं थी। हालांकि पुरुषोत्तम ने ये सोचकर पूजा के इस व्यवहार पर कोई ध्यान नहीं दिया कि शायद ऐसा शादी में थकान की वजह से हो। इसी तरह से लगातार 5 दिन निकल गए, लेकिन पूजा के स्वभाव में कोई बदलाव नहीं दिखा। उसके सुस्त और नीरस व्यवहार ने पुरुषोत्तम को आहत कर दिया था। शादी के बाद 6वीं रात पुरुषोत्तम पूजा की बेरुखी से परेशान होकर चुपचाप सो गया। सुबह 5 बजे जैसे ही उसकी नींद खुली तो पाया कि पूजा बिस्तर पर नहीं है। कुछ देर तक उसका इंतजार किया, नहीं आने पर घर के दूसरे कमरे, बरामदे आदि के बाद बाथरूम में तलाश किया, लेकिन पूजा कहीं नहीं मिली। उसके बाद बदहवास कमरे में आकर बिछावन पर बैठ गया। जल्दी ही बेचैनी की स्थिति में कमरे से निकलकर बाहर आया। इस बीच उसकी माँ जाग चुकी थी। उसने माँ से पूछा, माँ पूजा कहाँ है? माँ ने आश्चर्य से पूछा, क्यों कमरे में नहीं है क्या? बाथरूम में होगी। जब पुरुषोत्तम ने अपनी माँ को बताया कि पूजा घर में कहीं नहीं है, तब माँ बेटे ने कमरे में जाकर देखा तो पाया कि पूजा का बैग और सूटकेस भी कमरे में नहीं था। उन्हें समझते देर नहीं लगी कि पूजा उसके जेवरात और नकदी लेकर फरार हो चुकी है। अचानक उनके दिमाग में लुटेरी दुल्हन की कहानी कौंध गई। दुल्हन के गायब होने की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। गांव में इस तरह की यह पहली घटना थी। पुरुषोत्तम और उसके घर वालों की बदनामी होने लगी। पुरुषोत्तम को समझ आ गया था कि उसके साथ शादी के नाम पर ठगी हुई है। सुक्कन के परिवार ने मान लिया था कि वे लुटेरी दुल्हन गैंग के शिकार हो चुके हैं, परंतु लोक लाज के चलते चुप रहे। उन्होंने सोचा कि गांव में जब ये बात फैलेगी तो कोई इस परिवार को लड़की नहीं ब्याएगा। वे पुलिस और अदालती चक्कर में नहीं पड़ना चाहते थे, इसलिए चुपचाप नुकसान और अपमान का घूंट पीकर रह गए। पुलिस में शिकायत नहीं करने की यह गलती आगे चलकर पूरे परिवार की परेशानी का सबब बन गई। आए दिन लुटेरी दुल्हन के गैंग की तरफ से पुरुषोत्तम और उसके घर वालों से रुपए की मांग होने लगी। तभी उन्हें मालूम हुआ कि भागवती ही गैंग की सरगना है। वो पुरुषोत्तम को फोन कर धमकाते हुए बार बार रुपए की मांग करने लगी। वो हमेशा परिवार को दहेज मांगने के जुर्म में केस करने की धमकी देने लगी। रोज रोज की इन धमकियों से तंग आकर पुरुषोत्तम 20 जून को गांव के सरपंच धीरेन्द्र वाजपेयी को साथ लेकर पन्ना के कोतवाली थाने गया। TI अरुण कुमार सोनी को पूरी बात बताई और इस साजिश की रिपोर्ट लिखवाई। थाना प्रभारी अरुण कुमार सोनी ने शादी के नाम पर ठगी करने वाली घटना की सूचना अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दी। पन्ना जिले के SP धर्मराज मीणा ने इस घटना को गंभीरता से लिया और तत्काल आरोपियों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए। कारण, पिछले एक साल के दौरान पन्ना में झूठी शादी रचाने के नाम पर ठगी की कई घटनाएं हो चुकी थी। इसका पर्दाफाश करना किसी चुनौती से कम नहीं था। धर्मराज मीणा ने TI अरुण कुमार सोनी
और एसआई सोनम शर्मा के साथ एक विशेष टीम का गठन कर लुटेरी दुल्हन गैंग का पर्दाफाश करने की जिम्मेदारी सौंप दी। पुलिस टीम ने अपने मुखबिरों को सक्रिय कर दिया। 23 जून 2021 को पुलिस को एक मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि धाम मोहल्ला के एक मकान में कुछ लोग रुके हुए हैं। उनके बीच चोरी के माल के बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा है। तत्काल पुलिस टीम ने धाम मोहल्ला में मुखबिर के बताए मकान में दबिश दी। वहां से 6 पुरुष और 2 महिलाओं को संदेह के आधार पर दबोच लिया गया। थाने लाकर जब उनसे पूछताछ की तो पता चला कि वे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लोग हैं और वह लुटेरी दुल्हन के गैंग के हैं। उन्होंने ये भी बताया कि वे भोले भाले लोगों के घर में शादी रचाकर पहले उनका विश्वास जीतते हैं, फिर पैसे गहनों का पता चलने पर मौका पाकर भाग जाते हैं। पकड़ी गई महिलाओं से पूछताछ में ये भी पता चला कि वो लुटेरी दुल्हन बनकर कई घटनाओं को सफलतापूर्वक अंजाम दे चुकी है। पुलिस पूछताछ में जो कहानी सामने आई उसे सुनकर भ्रष्टाचार के वैसे कारनामों का भी खुलासा हुआ जिसे सरकार काफी सुरक्षित मानती आई है, जैसे आधार कार्ड का बनाया जाना। ये जानकर पुलिस टीम भी हैरान रह गई। गिरोह की मुख्य सरगना छत्तरपुर के बिल्हा गांव की भागवती ठाकुर उर्फ भग्गो थी, जो बराबर अपना सरनेम बदल देती थी। लॉकडाउन के पहले सभी रीवा में किराए के मकान में रहते थे। वहीं से भागवती के गिरोह के लोग मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के आसपास के जिलों में चोरियां करते थे। चोरी की घटनाओं को अंजाम देने के बाद उसके मन में शादी करके भाग जाने का आइडिया आया। भागवती ने जिस पूजा नाम की युवती का रिश्ता पुरुषोत्तम से करवाया था उसका वास्तविक नाम इंदिरा यादव निकला। पुरुषोत्तम को अपने जाल में फंसाने के लिए उसने इंदिरा को पूजा तिवारी के रूप में पेश किया था। भागवती के बनाए प्लान के मुताबिक वो शादी के 5 दिन बाद जेवरात और नकदी लेकर घर से भाग गई थी। 30 साल की पूजा उर्फ इंदिरा यादव उत्तर प्रदेश के झांसी के रहने वाले स्वामी यादव की बेटी है। वो ऐसे ही 4 शादियां कर चुकी थी जो समाज परिवार की निगाह में मान्य थी, लेकिन वह उसके लिए महज एक ढोंग ही था। गिरोह का एक सदस्य इसरार खान निवासी इटावा लैपटॉप और प्रिंटर की मदद से गिरोह में शामिल लोगों के नकली आधार कार्ड बनाने का काम करता था। ये लोग शादी के लिए रिश्ता तय करते समय रिश्ते के हिसाब से अपनी जाति और नाम बदल लेते थे। आधार कार्ड में फोटो वो नाम पता देखकर किसी को इन पर शक भी नहीं होता था। उन्होंने 2015 में आई एक फिल्म डॉली की डोली से प्रेरणा ली थी। फिल्म में डॉली झूठी शादियां रचाती है। शादी की रात ही लड़के और उसके परिवार की कीमती चीजों को चुराकर भाग जाती है। पन्ना पुलिस ने जिन लुटेरी दुल्हनों को पकड़ा था वे भी झूठी शादी रचाकर कुछ दिनों तक घर में रहती थी और फिर मौका पाकर कीमती सामान लेकर रफू चक्कर हो जाती थी। पुलिस ने दोनों के साथ जिन 6 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया उसमें आसिफ, कमलेश केवट, रम्मू, मुन्ना तिवारी और रामजी भी थे। सभी सदस्य अलग अलग भूमिकाएं निभाते थे। पुलिस ने उनके कब्जे से एक तमंचा, एक जीवित कारतूस, 5 किलो चांदी और करीब 160 ग्राम सोने के जेवरात, फर्जी आधार कार्ड, एक लैपटॉप, एक प्रिंटर सहित करीब 14,25,000 रुपए का माल बरामद किया। यह गैंग पकड़े जाने से पहले तक बुंदेलखंड, सतना, दमोह, छत्तरपुर, रीवा, कटनी, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में चोरी ठगी की करीब 21 वारदातों को अंजाम दे चुका था। पुलिस हिरासत में लिए गए लोगों से जब अन्य घटनाओं के संबंध में पूछताछ की गई तब उन्होंने पन्ना के 5, पवई के 7, सिमरिया के 6 और अमानगंज के 2 और धर्मपुर के 1 मामले में शामिल होना कबूल कर लिया। पुलिस ने सभी आरोपियों से पूछताछ करने के बाद कोर्ट के आदेश पर उन्हें जेल भेज दिया। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी हमको अपने कमेंटों के द्वारा जरूर बताएं। और दोस्तों अगर आपको हमारा काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों धन्यवाद।